टीसीएस कंपनी शेयर बाईबैक करने जा रही है और इस बाईबैक से निवेशक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस बाईबैक से जुड़ी हुई अपडेट आती हुई नजर आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी अपडेट के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बाईबैक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 5 मार्च 2022 यानी कल के दिन ही एक ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें जो ऑफिशियल डेट्स हैं उसके बारे में बताया गया था। चलिए डेट देख लेते हैं। देखिए ओपनिंग डेट की बात करें तो यहां पर 9 मार्च 2022 से ये बायबैक ओपन होने जा रहा है और इसकी क्लोजिंग जो डेट है 23 मार्च 2022 के दिन होने वाली है। सेटलमेंट की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 को सेटलमेंट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना जरूरी है। देखिए पहले भी आपको बताया था कि 23 फरवरी 2022 इसकी जो है रखी गई थी कट ऑफ डेट यानी रिकॉर्ड डेट रखी गई थी, यानी 23 फरवरी 2022 के पहले अगर आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे थे या फिर 23 फरवरी के पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर थे, यानी कि ऐसा बताया जा रहा था कि 19 फरवरी तक खरीदने का था क्योंकि 2 दिन लगता है आपके डीमैट अकाउंट में आने के लिए, तो अगर आपने 19 तारीख के पहले या 19 को जो टीसीएस कंपनी के शेयर खरीदे थे तो आपको यहां पर आप एलिजिबल हैं और आप यहां पर बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यह भी है कि भाई मेरे 3 अकाउंट हैं, ठीक है, एक ही आदमी के 3 ही अकाउंट हैं, 3 अकाउंट में उसने अलग अलग टीसीएस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, मान लीजिए यहां पर 20 खरीद रखे हैं, यहां पर 40 खरीद रखे हैं और तीसरे में खरीद रखे हैं, या 20 मान लीजिए 20 खरीदे हैं, टोटल का वैल्यू होता है यहां पर 80 शेयर्स, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि भाई आपके एक डीमैट अकाउंट में 20 हैं तो ये 56, चूंकि यहाँ पर 56 शेयर से कम अगर आपके पास है तो आप रिटेल में कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके जो शेयर्स हैं वो 20 40 या 20 नहीं माने जाएंगे, आपके शेयर्स माने जाएंगे 80, क्योंकि देखिए आप डिफरेंट अकाउंट से शेयर खरीद लिए लेकिन फाइनली तो आपके ही पैन कार्ड पे वो इशू हो रहे हैं ना, तो अगर वहां पे पैन कार्ड देखा जाता है, एक पैन कार्ड पे 56 शेयर से अगर ज्यादा 57वां शेयर आ गया तो आप फिर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, आप दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे फिर नेक्स्ट, तो उसमें जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो यहां पर ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अलग अलग डीमैट अकाउंट से अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो फिर आपको यहां पर जो है अगर ये टोटल जो है 56 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको यहां पर जो आप रिटेल कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आपके जो शेयर्स हैं वो 23 यानी 19 फरवरी के पहले आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए यहां पर जो डिटेल्स अवेलेबल है वो यही है कि 18,000 करोड़ का ये जो है बायबैक टोटल होने वाला है, काफी बड़ा ये बायबैक है और टोटल 4 करोड़ के आसपास शेयर्स मार्केट में से कंपनी वापस खरीदेगी। वहीं बायबैक प्राइस की बात करें तो 4500 पर शेयर पे कंपनी खरीदने वाली है। आप देखिए करंट प्राइस देखें तो 3500 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि साफ साफ लग रहा है यहां पर 1000 रुपए प्रति इक्विटी शेयर आपको फायदा मिलने वाला है। रिटेल कैटेगरी के लिए ये देखें तो करीब 60 लाख शेयर्स यहां पर रखे गए हैं और वहीं अगर बात करें एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो की तो 22-30% के आसपास रखा गया है, यानी कि 56 शेयर्स अगर आपके पास पूरे होंगे तो आपके जो ये यहाँ करीब 10-15 शेयर एक्सेप्ट होने की संभावनाएं रहेंगी और बाकी शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ही रहेंगे, तो आप उसको चाहें तो नॉर्मल शेयर्स के लिए की तरह बेच सकते हैं या फिर उसको होल्ड करके रख सकते हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर जो अभी संभावनाएं चल रही हैं वो 10-15 शेयर्स आपके जाने की उम्मीद यहाँ पर लग रही है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मेरे पास एक ही शेयर है डीमैट अकाउंट में और क्या मैं इसको बायबैक के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर अप्लाई किया तो क्या इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक शेयर है तो आप बहुत बढ़िया है आपके लिए, आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक्सेप्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि 100% होते हैं, आपका जो एक शेयर है वो जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपके पास एक शेयर है तो निश्चित रूप से आप बढ़िया से अप्लाई कीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक्सेप्टेंस रेशियो कम होने की बात इसीलिए है क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जब से इसका बायबैक अनाउंस हुआ है या फिर जो भी हुआ है 4000 का इसने हाई बनाया है और 4000 का हाई बनाने के बाद 3500 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि 3500 रुपए का शेयर जो मार्केट में अभी बिकेगा वो आपको 4500 रुपए में बेचने का मौका मिल रहा है, तो भाई बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। आपको बता दूं कि शेयर प्राइस अगर ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 4400 रुपए का एक शेयर होता मार्केट में प्राइस होता
तो फिर आप 45 रुपये में बाईबैक में क्यों बेचने जाते हैं? आप तो यही सोचते हैं कि भाई मार्केट में 100 रुपये का अंतर है, क्या ही फर्क पड़ता है 100 रुपये में, तो मैं मार्केट में ही बेच देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अभी चूंकि अंतर 1000 रुपये का है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। और आपको यहाँ पर आपके जितने भी शेयर्स हैं उसमें से कितने शेयर्स होंगे इसका भी अभी कोई भी जो है पता नहीं है कि कितने होंगे। यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट किया जाए तो 22 से 30% के आसपास होंगे, यानी 56 शेयर्स हैं टोटल रिटेल कैटेगरी में, वो उसमें से करीब 10 से 15 शेयर एक्सेप्ट होने की संभावनाएं फिलहाल अभी लग रही है। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो हो सकता है 2-3 हो जाएं, ठीक है, 2-3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल कहें तो 22 से 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए अप्लाई करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं और हर ब्रोकर का अलग अलग मेथड है, तो मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको बाईबैक में कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई होता है तो कैसे होता है, ऑफलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।